हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम फायरबेस के थ्रू नोटिफिकेशंस कैसे जनरेट करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल नोटिफिकेशंस के बारे में बात करी थी, तो देखेंगे इसको फायरबेस के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल प्रोजेक्ट है जो मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करें। तो यहाँ पर मैं अपने चीज़ी कोड वाली आईडी से लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं फायरबेस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा firebase.google.com पर। यहाँ पे आप फायरबेस के बारे में पढ़ सकते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम क्लाउड मैसेजिंग के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारी नोटिफिकेशन होती हैं वो क्लाउड मैसेजिंग के अंदर आती हैं। उसके बाद मैं अपने कंसोल पर जाता हूँ। तो यहाँ पर आप एक बटन देखेंगे गो टू कंसोल, तो यहाँ पर क्लिक करें। तो ये हमारा फायरबेस का कंसोल है जिसके अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स दिखते हैं। जो भी आप फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। जितना भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम होगा वो हम इसी कंसोल के थ्रू करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नोटिफिकेशंस जनरेट करनी है तो वो मैं इस कंसोल के थ्रू करूँगा। अगर मुझे एनालिटिक्स की रिपोर्ट देखनी है तो वो मैं इस कंसोल के थ्रू करूँगा। तो इस कंसोल में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, तो उसको देखेंगे आगे। तो एंड्रॉइड स्टूडियो पर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं लॉग इन हो चुका हूँ। तो उसके बाद हम फायरबेस का सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर मैं टूल्स पर जाऊँगा, फायरबेस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे फायरबेस के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं हमें। तो यहाँ पर हम क्लाउड मैसेजिंग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेटअप पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अपनी ऐप को फायरबेस के साथ जोड़ने का। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आप एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ फायरबेस नोटिफिकेशन के नाम से, और यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करें इंडिया। उसके बाद कनेक्ट टू फायरबेस पर क्लिक करें। तो ये हमारी ऐप को फायरबेस के साथ कनेक्ट कर देगा और फायरबेस के एंड पर एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएटेड एंड कनेक्टेड लोकली। तो हमारा फायरबेस जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो इसको यहाँ पे मैं रीबिल्ड कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बिल्ड कंप्लीट हो चुकी है और हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार फायरबेस के कंसोल पर जाके चेक करते हैं कि कोई प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है फायरबेस नोटिफिकेशन के नाम से। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा डैशबोर्ड है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम ग्रो वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे क्लाउड मैसेजिंग का फीचर है, इसको क्लिक करें। तो इसके थ्रू आप अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजेंगे। इसको अभी आगे देखेंगे दोबारा से। वापस चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप पर चलते हैं, एड FCM टू योर ऐप। इसका मतलब ये है कि फायरबेस से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो हमें अपनी build.gradle फाइल में ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम एक्सेप्ट चेंजेस कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एरर आ रही है, फेल टू रिजॉल्व फायरबेस मैसेजिंग। तो इसको देखते हैं। तो इसको यहाँ से मैं टॉगल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे फायरबेस मैसेजिंग का ये वाला वर्जन यूज़ किया गया है। तो एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या मेंशन किया गया है वर्जन। तो ये हमारी फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन हमें यूज़ करना है डिपेंडेंसी का। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लाउड मैसेजिंग के लिए हमें ये वाला वर्जन यूज़ करना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब क्या होता है कि जो फायरबेस है वो मॉड्यूल्स में बटा हुआ है। मैसेजिंग के लिए अलग मॉड्यूल है, एनालिटिक्स के लिए अलग मॉड्यूल है, तो वो मॉड्यूल्स में ब्रोकन है। अब हर मॉड्यूल की हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं और इसके साथ साथ हमें एक फायरबेस कोर की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है। मतलब एक हमारा कोर मॉड्यूल है और हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो हम कोर की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे और डिफरेंट मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। जिस मॉड्यूल को हमें यूज़ करना है उसकी डिपेंडेंसी हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं फायरबेस कोर की कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी फायरबेस कोर की है और फायरबेस मैसेजिंग की। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक वर्जन की मिसमैच की एरर आ रही है। तो क्या होता है जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो एरर्स आती हैं, उन एरर्स को हम गूगल करते हैं, मेनली स्टैक ओवरफ्लो जैसी साइट्स पर हमें आंसर मिल जाते हैं, तो उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी सोल्यूशन ढूंढ चुका हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। हमें ये वाली डिपेंडेंसी भी ऐड करनी है इसके साथ। तो उसके बाद सिंक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी बिल्ड कम्प्लीट हो चुकी है। तो अपनी मेन एक्टिविटी पर दोबारा चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने सिंपल नोटिफिकेशंस के बारे में बताया था, तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे देखें। तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे यूज़ होंगे, तो मैं उसका कोड यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो मेन एक्टिविटी के अंदर हम सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन चैनल्स रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस वाले कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको ऑल्ट एंटर दबा के फिक्स करें। तो ये हमारा कोड है जो हमने नोटिफिकेशन चैनल के लिए लिखा था। उसके बाद फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप क्लाउड मैसेजिंग पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप सेंड मैसेजेस टू मल्टीपल डिवाइसेस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अगर मैसेजेस रिसीव करने हैं तो आपको एक सर्विस बनानी पड़ेगी जो इस क्लास को एक्सटेंड करेगी।
तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक नई क्लास ऐड करते हैं, इसको मैं नाम दूंगा माई मैसेजिंग सर्विस, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे फायरबेस मैसेजिंग सर्विस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरबेस मैसेजिंग सर्विस से मैंने इसे नैरेट किया है, क्लिक ओके। तो यहाँ पे कंट्रोल ओ दबाएं और ये वाला जो मेथड है हमारा इस पर डबल क्लिक करें। तो क्या होता है, जैसे हम फायरबेस के थ्रू नोटिफिकेशन पुश करते हैं तो हमारा ये वाला मेथड कॉल होता है, मतलब हमने जैसे ही फायरबेस से एक नोटिफिकेशन भेजा तो हमारी ऐप का ये वाला मेथड कॉल होगा। ये हमारा मैसेज होगा, जो हमने मैसेज भेजा होगा फायरबेस के थ्रू वो मैसेज हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमोट मैसेज के अंदर मुझे गेट नोटिफिकेशन करूँगा तो यहाँ पे मुझे पूरी नोटिफिकेशन मिलेगी, उसका मुझे टाइटल मिल जाएगा यहाँ पे, उसकी मुझे बॉडी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन जनरेट करने वाला कोड पेस्ट करते हैं। तो इस कोड के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सिंपल कोड है ये, हमारा बिल्डर है नोटिफिकेशन बिल्डर, उसके थ्रू हम अपनी नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं कि किस तरीके की नोटिफिकेशन होगी हमारी, उसके बाद हम नोटिफिकेशन मैनेजर को लेके नोटिफाई कर देते हैं। तो इस मेथड को हम कॉल करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा शो नोटिफिकेशन और यहाँ पे हम लिखेंगे रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट टाइटल। उसके बाद हमें हमने मैसेज भेजना है, तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा रिमोट मैसेज डॉट गेट नोटिफिकेशन डॉट गेट बॉडी। तो इस तरीके से हम नोटिफिकेशन जनरेट करेंगे। तो क्या होता है, जैसे हम फायरबेस के थ्रू नोटिफिकेशन पुश करेंगे तो हमारी ऐप के अंदर ये वाला मेथड कॉल होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये शो नोटिफिकेशन कॉल किया है। तो शो नोटिफिकेशन क्या करेगा, ये नोटिफिकेशन बिल्डर की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा नोटिफिकेशन का, और नोटिफिकेशन मैनेजर की मदद से उसको नोटिफाई कर देगा। मतलब जैसे ही वाला मेथड कॉल होगा तो हमारी एक नोटिफिकेशन जनरेट होगी जिसमें हमारा टाइटल होगा और हमारा मैसेज होगा जो हमने फायरबेस के थ्रू भेजा है। तो ये था हमारी सर्विस के बारे में। उसके बाद दोबारा डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर कुछ एंट्रीज़ करनी होंगी, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर एंट्री कर देते हैं। मेक श्योर करें कि एप्लीकेशन टैग के बंद होने से पहले यहाँ पे एंट्री करें। तो ये हमारी सर्विस है, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो हमारी सर्विस का नाम है माई मैसेजिंग सर्विस, तो इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा मैनिफेस्ट वाला चेंज कम्प्लीट हो चुका है। तो फायरबेस से रिलेटेड जितने भी चेंजेस थे वो कम्प्लीट हो चुके हैं, तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप रन हो चुकी है। तो फायरबेस कंसोल पर चलते हैं और एक नोटिफिकेशन पुश करते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे मैं सेंड योर फर्स्ट मैसेज पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइटल डालूंगा हेलो, और हमारा नोटिफिकेशन का टेक्स्ट लिखूंगा हेलो चीज़ी कोड। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे आप ऐप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक करते रहें। जो आपका एंड्रॉइड नोटिफिकेशन चैनल है उसकी एंट्री यहाँ पे करें। तो हमारे चैनल की आईडी थी माई नोटिफिकेशंस, इसको यहाँ से कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डेटा भेजना है तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। उसके बाद रिव्यू करें, तो उसके बाद यहाँ पे पब्लिश पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से नोटिफिकेशन सेंड हो चुकी है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि जीरो सेंड हुए हैं, मतलब किसी को भी ये नोटिफिकेशन सेंड नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे को कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो क्या होता है कि फायरबेस की नोटिफिकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आते हैं, तो नोटिफिकेशन को दिखाने के लिए हमें एक टॉपिक पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई ई कॉमर्स की ऐप है, उसमें क्या होता है कि कुछ मेरे गेस्ट यूज़र होंगे जिन्होंने अभी लॉगिन नहीं किया है, कुछ मेरे लॉग्ड इन यूज़र होंगे, और कुछ मेरे ऐसे यूज़र्स होंगे जो पे भी कर चुके हैं मुझे। तो तीन तरीके के यूज़र्स हैं मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि गेस्ट यूज़र्स को बोलूँ कि आप लॉगिन कर लें, लॉग्ड इन यूज़र्स को बोलूँ कि आप पे करें, और पेड यूज़र्स को नए ऑफर्स दूँ। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशंस जनरेट करूँगा। तो जो मेरे गेस्ट यूज़र्स हैं उनके लिए मेरे पास एक टॉपिक होगा, जो मेरे लॉग्ड इन यूज़र्स हैं उनके लिए मेरे पास एक टॉपिक होगा, और जो मेरे पेड यूज़र हैं जिन्होंने मेरे लिए पे किया है उनके लिए मेरे पास एक अलग टॉपिक होगा। तो इस तरीके से हम उनको रजिस्टर कराते हैं। तो यहाँ पे सेंड मैसेजेस टू मल्टीपल डिवाइसेस में ये कोड लिखा हुआ है फायरबेस मैसेजिंग का, जो आपको सब्सक्राइब करता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये हमारा टॉपिक है, उस पर इसने सब्सक्राइब कर दिया इस यूज़र को। तो इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस कोड को आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, ऑल्ट एंटर दबाकर इसको इम्पोर्ट करें। तो ये हमारा मैसेज है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सक्सेसफुल, और इस मैसेज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेल्ड। ऑल्ट एंटर दबाएं यहाँ पे भी, लॉक की स्टेटमेंट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल एल दबा के इसको फॉर्मेट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम सब्सक्राइब करते हैं टॉपिक पे। तो ये हमारे वेदर वाले टॉपिक को कर रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको जनरल कर देता हूँ। तो सिंपल लॉजिक है, हमारे यूज़र्स जो हैं वो हमने टॉपिक के थ्रू बांटे हुए हैं। कुछ हमारे जनरल यूज़र्स होंगे, कुछ हमारे लॉक्ड इन यूज़र्स होंगे, कुछ हमारे पेड यूज़र्स होंगे। तो उस हिसाब से हमने उनको बांटा हुआ है, और उनको हम डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशंस भेजते हैं। तो यहाँ पे हम जनरल लिखेंगे, तो जनरल वाली जो नोटिफिकेशंस होंगी वो इस यूज़र को आएंगी। तो वापस चलते हैं अपने कंसोल पर। तो यहाँ पे मैं न्यू नोटिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइटल लिखूंगा हेलो,
अगेन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा चीज़ी कोड, लेबल को आप छोड़ सकते हैं, क्लिक नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं टॉपिक सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिखूंगा जनरल। तो यहाँ पे मैं उन वाले यूज़र्स को नोटिफिकेशन भेजूंगा जिन्होंने जनरल के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे दोबारा नेक्स्ट क्लिक करूँगा। नेक्स्ट करें तो यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन चैनल को मेंशन करें, तो यहाँ पे मैं दूंगा माई नोटिफिकेशंस। उसके बाद यहाँ पे आप कस्टम डेटा भेज सकते हैं दोबारा से, रिव्यू करें, तो इसको पब्लिश कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी नोटिफिकेशन आ चुकी है, हेलो अगेन चीज़ी कोड। तो इस तरीके से हम नोटिफिकेशंस भेजते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।